बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पिछले वीडियो में लेसन नंबर जो फर्स्ट है हमारा हुआ सवेरा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको ये लेसन पढ़ा भी दिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम लेसन नंबर टू पढ़ेंगे। आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे बच्चों? लेसन नंबर टू, और लेसन का नाम है स्वस्थ जीवन। क्या नाम है पाठ का? स्वस्थ जीवन, कि हम किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। आप सुबह उठकर कौन कौन से कार्य करते हैं बच्चों? आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं? सबसे पहले आप उठते हैं, फिर आप ब्रश करते हैं, फिर क्या करते हैं, आप घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं, फिर वापस आके आप नहाते हैं। क्या करते हैं? नहाते हैं। फिर आप तैयार होते हैं, बालों में कंघी करते हैं, फिर आप डिनर लंच करते हैं, फिर आप क्या करते हैं बच्चों? ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या करते हो? ब्रेकफास्ट करते हो। हमारा शरीर एक मशीन की भांति है। हमारा शरीर क्या है? एक मशीन की भांति। जिस तरह मशीन कार्य करती है, उस तरह हमारा शरीर भी कार्य करता है। इससे हम अनेक क्रियाएं करते हैं। अनेक क्रियाएं, क्रियाएं मतलब हम अनेक काम कर सकते हैं, जैसे देखते हैं, चलना, सूंघना, चबाना, सुनना, दौड़ना, याद रखना, नाचना, बोलना, ये सभी हम किससे करते हैं? हमारे शरीर की क्रियाओं से करते हैं। यह शरीर हमें प्रकृति से मिला अनोखा उपहार है। हमारा जो ये शरीर है वो हमको किससे मिला है? प्रकृति से। प्रकृति से मिला एक अनोखा उपहार है, पर हमें इससे काम लेने के साथ साथ इसको स्वस्थ भी रखना चाहिए। फिर हम क्या है कि इस शरीर को काम लेने के साथ साथ हमें इसको स्वस्थ रखने पर भी ध्यान देना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, भोजन, पानी के साथ साथ व्यायाम भी आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है? हवा, भोजन और पानी, इसके साथ साथ व्यायाम, व्यायाम मतलब कसरत भी आवश्यक है। यदि इसकी उचित देखभाल न की जाए तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम अपने शरीर की उचित देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। सबसे आवश्यक है स्वच्छ रहना। सबसे आवश्यक क्या है? स्वच्छ, साफ सुथरा रहना। अतः हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए बच्चों? स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के बाद में साफ कपड़े पहनने चाहिए, और अपने नाखून, बाल, दांत आदि सभी को भली प्रकार से साफ करना चाहिए। गंदे शरीर से दुर्गंध आती है। गंदा जो शरीर होगा उससे क्या आएगी? दुर्गंध। दुर्गंध मतलब बदबू। क्या आएगी बच्चों? बदबू। और कीटाणु चिपक कर बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। और कीटाणु चिपक कर क्या उत्पन्न कर देते हैं? बीमारी। क्या उत्पन्न कर देते हैं? बीमारी। इसलिए प्रत्येक अंग को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसलिए हमें प्रत्येक अंग को, दांत, मुंह, सब नाखून, बाल सभी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इन्हें रोज बदलना आवश्यक है। क्या है कपड़ा? ऐसे नहीं कि आज आप नहाए और आपने वही कपड़े पहन लिए जो पहले पहने हुए थे। नहीं, कपड़ों को भी हमें रोज बदलना आवश्यक है, अन्यथा वस्त्रों में चिपकी धूल व कीटाणु हमें भी बीमार कर सकती है। अन्यथा नहीं तो क्या होगा कि वस्त्रों में जो चिपकी धूल मिट्टी है यह हमें भी बीमार कर सकती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुण कुछ कण दांतों से चिपके रह जाते हैं। जब आप भोजन करते हो, आपने देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण हमारे दांतों में चिपके रह जाते हैं। उन्हें दूर करने के लिए हमें ब्रश से भली भांति साफ करना आवश्यक है। उन्हें हम टूथब्रश से भली भांति साफ कर सकते हैं, अन्यथा वे सड़कर दांतों में छेद बना देंगे। अन्यथा क्या होगा? वे सड़कर हमारे दांतों में क्या बना देंगे? छेद बना देंगे, जिससे हमारे दांतों में भयंकर दर्द होगा। जिससे हमारे दांतों में क्या होगा? भयंकर दर्द होगा। इसी प्रकार आंखों पर भी हमें ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए। इसी प्रकार जो हमारी आंखें होती हैं ये भी बहुत कोमल होती हैं। इन पर भी जब हम सुबह उठते हैं तो हमें इन पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए और उन्हें साफ रुमाल से पोंछना चाहिए। गंदे और बड़े हुए नाखूनों को भी काटना चाहिए। अब गंदे और जो बड़े हुए नाखून होते हैं, बहुत सारे बच्चों के नाखून बड़े होते हैं वो काटते नहीं, तो जो गंदे और जो बड़े हुए नाखून होते हैं हमें उनको क्या करना चाहिए? काटना चाहिए, ताकि उनमें मैल आदि ना भरे। इसके पश्चात हमें भोजन पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी बातों के बाद हमें किस पर ध्यान देना चाहिए बच्चों? भोजन पर। साफ सुथरा भोजन भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। साफ सुथरा भोजन भी क्या है? किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। बासी व गंदा खाना भी हमें बीमार कर सकता है। बासी होता है, जैसे दो चार दिन का जो खाना होता है वह भी हमें
या गंदा खाना भी हमें बीमार कर सकता है। व्यायाम भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। व्यायाम, व्यायाम का मतलब कसरत, कसरत भी हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें पीटी करनी चाहिए, योग योग करना चाहिए, दौड़ना चाहिए और खेलना आदि का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। यदि हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे टीवी आदि देखते रहे तो धीरे धीरे आलस और मोटापा हमें रोगी बना देगा। यदि बच्चों हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे टीवी देखते रहे या और कुछ कार्य करते रहे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा जो शरीर हुआ आलसी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आलसी। और हम क्या हो जाएंगे? मोटे। क्या हो जाएंगे? मोटे। अतः व्यायाम भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अतः बच्चों हमारे लिए व्यायाम, कसरत जो क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जब कभी हम बीमार हो जाते हैं या किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो हमें दुख होता है। जब कभी आपने देखा होगा कि हम बीमार हो जाते हैं या किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। क्या होता है? हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। थोड़ी सी सावधानी रखने पर बीमारी आदि से बचा जा सकता है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को कैसा रखना चाहिए? स्वस्थ निरोगी। कैसा रखना चाहिए? स्वस्थ और निरोगी। आई होप आपको जो ये मैंने लेसन पढ़ाया है बच्चों, स्वस्थ जीवन समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। ओके, थैंक यू।